में महाराष्ट्र में हुई दो साधुओं समेत ड्राइवर की हत्या की आग लोगों के जहन में से बुझी भी नहीं थी कि अचानक से बुलंदशहर में हुई साधुओं की निर्मम हत्या ने फिर से अफरा तफरी मचा दी है। आपको बता दें कि यूपी के जिला बुलंदशहर में दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या से बुलंदशहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि चिमटा उठाकर ले जाने की शिकायत करने पर एक नशेड़ी ने शिव मंदिर परिसर में सो रहे दो साधुओं की गला रेतकर हत्या कर दी। साधुओं की हत्या की जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहां आपको बता दें कि अनूप शहर के पगोन में स्थित शिव मंदिर परिसर में जागिन दास और शेर सिंह सेवादार की देर रात को धारदार हथियार से गला रेतकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। दोनों पिछले 15 साल से इस मंदिर में रह रहे थे। आज सुबह जैसे ही एक दो लोग मंदिर में पहुंचे तो साधु के खून से लथपथ शव को देख सकते में रह गए। आनन फानन में मामले की जानकारी पाकर जहां गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए, वहीं इलाका पुलिस भी घटनास्थल पर जा पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं बुलंदशहर के SSP की माने तो 2 दिन पूर्व गांव के ही नशेड़ी युवक मुरारी बाबा का चिमटा उठाकर ले गया था, जिसकी शिकायत करने पर बाबाओं की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने हत्या आरोपी मुरारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में दो साधुओं समेत ड्राइवर की हत्या की आग लोगों के जहन में थी, जिसकी आग अभी बुझी भी नहीं थी कि अचानक से दोनों साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई और उनके जख्म को फिर से कुरेदने का काम किया गया। हाल ही में हुई साधु की हत्या बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली की है, जहां पर दो साधु मंदिर परिसर में सो रहे थे। उसी दौरान अचानक आरोपियों ने किसी धारदार हथियार से इन पर वार कर दिया। इस दौरान मौके पर साधु की मौत हो गई। इस खबर ने एक बार फिर से लोगों के अंदर भड़क रही आग को हवा देने का काम किया है। बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश लोधी की रिपोर्ट। साधुओं की हत्या का क्या मामला है सर? ये सुनते हैं कि किसी नशेड़ी ने, या नशेड़ी है वैसे हमारे गांव का एक, उसी पर शक जाहिर करा जा रहा है। बाकी इनकी धारदार हथियार से दो साधुओं की हत्या मंदिर पर कर दी गई है रात। ये साधु कब से रह रहे हैं, क्या साधु हैं? ये जागिन दास नाम के साधु हैं जो मधेसी से आए थे करीब 15 साल पहले, और एक सेवादास हैं जो गाँव कनौरा के रहने वाले हैं, वो करीब 5-6 साल से यहाँ पर रहते हैं। तो इस मंदिर की सेवा पूजा करते हैं? हाँ, इस मंदिर की सेवा पूजा करते हैं, और पगोना से पास में दुगरू से आस पड़ोस के गांव से भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर गांव में आज एक दुखद घटना हुई है। दो बाबा एक शिव मंदिर पे जगदीश उर्फ गंगीदास और शेर सिंह नाम के थे, जिनमें बड़े बाबा की उम्र लगभग 55 साल और छोटे बाबा की उम्र 45 साल के आसपास थी। उसी गाँव का एक रेडी व्यक्ति मुरारी उर्फ राजू, जिसका नाम है, जो अनुसूचित जाति का है, और 2 दिन पहले बाबा का चिमटा इसने गायब कर दिया था। इस बात को लेकर उसे धमकाया था। आज भांग के नशे में रात को किसी समय जा करके तलवार ले गए, इसके द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई है। सुबह लोगों ने, गांव के लोगों ने इस व्यक्ति को तलवार लेकर जाते हुए देखा था। गाँव के लोग इसकी तलाश में लगे हुए थे। लगभग घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूसरे गाँव में नशे की हालत में और न्यूनतम वस्त्रों में, बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। मौके पर मैं पहुंच रहा हूं। कानून व्यवस्था एक समस्या फिलहाल नहीं है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो प्राथमिक छानबीन से पता चला है वो यही है कि ये मंदिर पर इसके द्वारा 2 दिन पहले बाबा का चिमटा गायब किया गया था, जिसको लेकर बाबा लोगों ने इसे डांटा था और अपशब्द कहे थे। संभवतः उसी कारण और तनाव में आकर के अर्धविक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा एक घटना कारित की गई है। फिलहाल अभी कब्जे में है और अभी नशे में है, पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.